बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम पंद्रह न्यूज़ से मैं हूँ अबू जरगफ़ारी मुसलसल बाईस मिनट तक हरकत कलब बंद रहने के बावजूद लड़की मुआजाना तौर पर ज़िंदा बच गई मिस्र में एक लड़की के हरकत कलब के बाईस मिनट तक बंद रहने के बाद इसके ज़िंदा होने पर लोग बहुत ज़्यादा हैरान हैं मिसरी ट्रैथलून चैम्पियन जोमाना यासर हरकत क्लब बंद रहने के बाद मुसलसल 22 मिनट तक बेहोश रही मगर इसके बाद इसे फिर होश आ गया जोमाना को इब्तदाई तबी इमदाद दी गई फिर इसे शुमाली मिस्र के सिकंदरिया गवर्नरेट के एक हस्पताल में मुंतकिल किया गया जहां जरूरी टेस्ट और ज़रूरी जांच के बाद इसे इलाज के लिए मुंतकिल किया गया इसके बाद इसके दिल की शरियाने 22 मिनट के रुकने के बाद दोबारा पंपिंग करने लगें मकामी मीडिया के मुताबिक जमाना यासिर के टैथलोन कोच मोहम्मद अल जौहरी ने कहा कि इसने बल आखिर होश में आना था आंखें खोलना थी मुस्कराना था और देखने वालों से मुसाफा भी करना शुरू कर दिया मकामी मीडिया के मुताबिक वो 20 दिन इंतहाई निगादाश्त में रही उन्होंने मज़ीद कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हम सबकी नफसियात जोमना की, की बेहतरी से बेहतर होना शुरू हो गई है ये हमारे रब की तरफ से हम पर एक एहसान है इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि हीरोइन का वापस आना अभी वक्त की बात है इसकी मामूल की ज़िंदगी दोबारा बहाल होने में कुछ वक्त लगेगा मगर वो अब तेज़ी से रूबा सेहत हो रही है जिस हस्पताल में नौजवान जमाना यासिर का इलाज किया गया था इसने पहले इसकी मौत का ऐलान किया था हस्पताल ने इसके दिल को हरकत में लाने के लिए 25 बार कोशिश भी की ये बात काबिल जिक्र है कि नौजवान खिलाड़ी 20 दिन कबल वर्जिश के दौरान अचानक गिर गई थी और इसके दिल के पट्टे बंद होने और बेहोश होने के बाद इसे हस्पता में दाखिल करा दिया गया था नादरी ये थी अब तक की अहम खबरें इसी के साथ ही अब को इजाज़त दीजिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़ अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद